नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग ही ऐसा बिजनेस करते हैं, और आप इस बिजनेस को करके 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं और अकेले इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी बात बताते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी बात बताते हैं। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया देने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो बिजनेस है वो छोटा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। इसमें मात्र पूंजी लगभग 200-250 या 100 रुपये का खर्च आना है और आप उस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि ये आप देख रहे हैं ये केला है, केला का फल है। तो दोस्तों इसका आपको पकौड़ा बनाना है। जी हाँ मेरे दोस्त, इस बिजनेस को थोड़ा नए तरीके से करना है, इसका पकौड़ा बनाना है। आप पकौड़ा बना करके जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया है उसी तरह आपको इसको छील करके छोटा छोटा पीस कर लेना है और इसको आराम से पकौड़ा बनाना है। 5 रुपये का एक पीस इसको बेचना है। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये समझ लीजिए ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका पकौड़ा बनाकर बेचते हैं तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, तो ये मार्केट में बिल्कुल नया बिजनेस है। हमें विश्वास है कि आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा, और ये नया बिजनेस है, नए तरीके से करना है। दोस्तों इसको कहीं नहीं घूमना है, बस मार्केट में एक छोटा सा, बस आप चाहें तो दुकान रख लीजिए या ठेला लगा लीजिए, ठेले पर भी ये बिजनेस किया जा सकता है। और इस ये शरीर के लिए जो होता है, ये बाल जो होता है ये हमेशा बरकरार रखता है, जो हमारे सर का जो बाल होता है इसको काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है केला खाने से। तो दोस्तों ये इस बिजनेस को करके, इसका पकौड़ा बना करके आप बेच करके कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप खुद समझदार हैं तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है। हमारे हिसाब से तो ये बिजनेस अच्छा है क्योंकि ये नया बिजनेस है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों इसी बात को कहते हुए हम आप अपनी वाणी पर विराम रखते हैं। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया के साथ।